का हो, वाटर टेस्ट डाल दें कि ना डालें? और डाल देते हैं, आप लोग लाइक कमेंट तो कर ही दीजिएगा। ना ना डालेंगे, फ़ोन ख़राब हो जाएगा। अरे डाल ही देते हैं, आप सबों का प्यार और सपोर्ट तो है हमारे साथ। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। जिसका आप सब कर रहे थे बेसब्री से इंतजार वाटर टेस्ट और बैंड टेस्ट का, वो आज आपके लिए लेकर के आ गए हैं हम। इंडिया की सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन कल्ट एम्बिशन या फिर कल्ट ग्लेडिएटर की वाटर टेस्ट और बैंड टेस्ट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैं कल्ट एम्बिशन और कल्ट ग्लेडिएटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल्ट एम्बिशन और कल्ट ग्लेडिएटर एक ही कंपनी का फोन और सेम टू सेम डिजाइन के साथ ये दोनों ही फोन आ रही है और सेम टू सेम बिल्ड क्वालिटी के साथ भी आ रही है। तो कल्ट एम्बिशन कल्ट ग्लेडिएटर सेम टू सेम फोन है, सिर्फ इसकी साइज में डिफरेंट। कल्ट ग्लेडिएटर आपको 5.5 इंच का डिस्प्ले वाला फोन है, लेकिन कल्ट एम्बिशन आपको 5 इंच का HD डिस्प्ले वाला फोन है बस। और कुछ भी दोनों फोन में खास जो है डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में डिफरेंट नहीं है। तो जल्दी से हम इसका बैंड टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको वाटर टेस्ट करके दिखाएंगे कि क्या है बैंड टेस्ट को झेल पाता है और क्या वाटर टेस्ट को भी झेल पाएगा। तो दोनों चीज को देखेंगे इस वीडियो में। एक बात और बता दूं कि यह फोन वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस नहीं है। अगर आप अपने फोन पे वाटर टेस्ट करोगे तो आपका फोन खराब हो सकता है। हम तो बस आपका दिल रखने के लिए वाटर टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बैंड टेस्ट करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको वाटर टेस्ट करके दिखाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इस फोन की जो बैक है, बैक कवर जो दिया गया वो फुली मेटल का दिया है, तो यहाँ पे कहीं भी आपको प्लास्टिक वगैरह नहीं मिलता है। पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक सिर्फ मेटल का ही यूज किया गया है। अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास का यूज किया गया है और कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन वगैरह की कोई भी जानकारी नहीं है कि इसमें गोरिल्ला ग्लास यूज किया गया है या नहीं किया गया है। चलिए बैंड करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें कितना है दम। किसमें है कितना दम? मैंने जितनी दम हो सकता था लगा दी। आप देख सकते हैं मेरी अंगूठे किस तरह से जो है डाउन हो चुकी है, पिचक गई है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग है कल्ट का। कोई भी फोन, जितने भी फोन अभी तक मैंने यूज किया, तो ये भी कुछ वैसा ही है। ना ही डिस्प्ले में कोई आपको ब्रेक दिख रहा है, ना ही बैक में आपको कहीं भी कोई ब्रेक दिख रहा है। दोनों साइड से आप देख सकते हैं कहीं भी कोई बैंड जो है नहीं आई है फोन में, तो फोन मजबूत है, टिकाऊ है। तो बैंड टेस्ट में यह पूरी तरह से सक्सेस रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो यह फोन बैंड टेस्ट में पूरी तरह से सक्सेस रहा है, कहीं भी कोई छोटी सी ब्रेकेज जो है इस फोन में नहीं आई है, कहीं भी बैंड या फोन नहीं हुआ, ना ही डिस्प्ले ब्रेक हुआ, ना ही बैक साइड कहीं भी कोई बैंड इस फोन में नहीं आया है। कल्ट इंडिया के फोन में अगर कुछ भी अच्छा है तो वह सिर्फ इसका बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले है। बाकी इस फोन में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन 7000 के बजट में जो आपको डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी मिलता है वो कमाल का मिलता है। तो बैंड टेस्ट में पूरी तरह से यह सक्सेस रहा है। तो आगे बढ़ते हैं वाटर टेस्ट की तरफ। तो फिलहाल हम फोन को बेसिन के पास लेकर आ गए हैं और दिल पे पत्थर रख के नल चलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। की बात तो यह है कि फोन अभी भी काम कर रही है। हाँ, टच रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, लेकिन काम कर रही है। तो चलिए एक बार और इसे धो लेते हैं और फिर रूम में ले चलते हैं, देखते हैं फोन में क्या सब काम नहीं कर रहा है और क्या काम कर रहा है।
तो वाटर टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सरप्राइजिंगली जो रिजल्ट आया है वो कमाल का आया है और यह फोन वाटर में भी रेसिस्ट कर गया। हमने बेसिन के पास इस वाटर टेस्ट को परफॉर्म किया तो डायरेक्ट पानी गिरने पे इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आप इसे डायरेक्ट रिवर में गिरा देते हो, बकेट में डाल देते हो, तो यह फोन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप बारिश वगैरह में हल्की फल्की भींग जाती है तो फोन खराब नहीं होगा। जैसे कि मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, वाटर टेस्ट के बाद मैंने इसका बैक पैनल जब रिमूव किया तो पीछे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा के पास पानी आ चुका था, नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर के पास पानी नहीं आया। लेकिन टॉप पे जहाँ 3.5 mm ऑडियो जैक है वहां पे भी पानी आ गया, बॉटम में स्पीकर में पानी चला गया, माइक में पानी चला गया, तो ये सभी जगह पे पानी जो है चल गई, क्योंकि यहाँ पे आपको पानी जाने के लिए रास्ता है, देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पानी चलेगी, वरना फोन जो पूरी तरह से पैक है तो पानी जाने का कोई चांस ही नहीं दिखता है। तो वाटर टेस्ट में भी यह सक्सेस हो गया है, लेकिन आप अपने फोन पे वाटर टेस्ट नहीं कर सकते हैं इस फोन पे, क्योंकि अगर करेंगे तो आपका फोन खराब हो जाएगा। तो फोन यहाँ पे दोनों ही टेस्ट में पास हो चुका है, चाहे बेंड टेस्ट हो या फिर वाटर टेस्ट हो, दोनों ही टेस्ट में यह सर्वाइव कर गया है। ओवरऑल बात करें इस फोन के बारे में तो इस फोन में जितना भी जो कुछ मिलता है उसके बारे में हमने सारी वीडियो पहले ही बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएंगे, आप उन सभी वीडियो को देख करके इस फोन के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको इस फोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में डाउट था, डिस्प्ले के बारे में कुछ भी डाउट था, तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इस फोन में अगर कुछ भी अच्छा मिलता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वो है इस फोन का डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी। कल्ट इंडिया ने 3 फोन को लॉन्च किया है, कल्ट बियॉन्ड, कल्ट ग्लैडिएटर और लास्टली कल्ट एम्बिशन। तो इन फोन में कुछ जो अच्छा है वो है इस फोन का बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन। तो 7000 और 6000 की बजट में आपको मार्केट में कहीं भी ऐसा फोन देखने को नहीं मिले जो कल्ट इंडिया आपको देती है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मुझे पूरा उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत की है बनाने में, जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर कोई सवाल हो सुझाव उसे भी लिखना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही घंटी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख पाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धोत्री, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।